ताजदार की वजह से नहीं पर बल्कि संजीला भंसाली सर की वजह से हैं नेटफ्लिक्स की वजह से हैं उनके अगर अगर संजय सर ना होते तो फिर मुझे कभी ये रोल मिलता नहीं और नेटफ्लिक्स uh, की वजह से इतने सारे देशों में 190 कंट्रीज़ में ये yes. फैल गया है आई थिंक ऑलमोस्ट टॉप 50 आई I मीन mean 50 50 कंट्रीज़ में ये टॉप 10 पे चल रहा है टॉल नंबर वन पे चल रहा है सो दिस इज़ रियली बिग ब्लेसिंग और uh, I'm just so grateful. Like you said, uh, Sanjay Leela Bhansali. So you have been a part of many projects like Love Ka and Barba Deku, Taj, of course, and you have already been an amazing actor. So, Thank but God. do you think you know the name Sanjay Leela Bhansali got you the attention? Hundred percent, no doubt about it. Well, who else? <laughs> really, nobody else. I, I, I cannot, I cannot give this credit to. एनी बडी एल्थ एंड डेफिनेटली नॉट माई सेल्फ बिकॉज इफ़ आई हैड टू डू इट दैन मेरे लिए तो बहुत पहले हो जाता फिर हाँ. तो ये आप, आप जितने भी आप अच्छे एक्टर अच्छा हो या मेहनती हो पर जब तक आपके पास आपको एक मतलब संजीरा भंसाली सर जैसे कोई आपको लॉन्च नहीं करता है तब तक आपको कोई रिकगनीशन नहीं मिलेगी सो आई बिलीव दैट आफ्टर फिफ्टीन ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क दिस इज़ अ म्यूरिकल क्योंकि जब मेरे पास कुछ भी नहीं था जब लोगों ने मुझे कम्प्लीटली राइट ऑफ कर दिया था तब भी मैंने हार नहीं मानी बट yeah. मुझे मतलब पता, पता नहीं मुझे मतलब मैं मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि संजय सर मुझे तीन दिन के रोल से मुझे लीड बना देंगे और फिर वो वो लीड को ताजदार बलोच को इतना प्यार मिलेगा ऑडियंस से मेरे मैं बस ये चाहता था कि लोग हाँ ठीक है मैं संजय सर से साथ काम कर रहा हूँ बहुत अच्छा रोल है Uh, मुझे आगे और अच्छा काम मिलेगा तो yeah. ऐसा, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। उसके अलावा इतने सारी चीजें आप में घूम रही है देम टू कमर इट इज वक्त तो आप मैंने पंद्रह साल में मैंने कितने हाथ पैर मारे मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली भी हैं पर अवे फ्रॉम मी टेन अवे टेकन अवे टेकन अवे फेलियर आफ्टर फेलियर आफ्टर फेलियर सो आई बिलीव दैट फेलियर ऑल्सो इज नॉट यू डोंट टेक इट एज अ फेलियर यू टेक इट एज फीडबैक फॉर गेटिंग बैटर एक अ लर्निंग एक्सपीरियंस वो आपके ऊपर होता है आपकी चॉइस है सो येस आई गेस फिफ्टीन ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क इज वन स्मॉल पार्ट ऑफ इट माँ की दुआएं मे बी अबाउट अनदर थर्टी परसेंट एंड देन फाइनली इट्स इज यू नो वैन someone like Netflix yes. and someone like Mr. Bansali come on board that fills the 100% up yeah. you know, so yeah Like you said uh, there were failures so was there a time from you know Love Kadi and to Hiramandi uh, when you felt of you know giving up the dream of Bollywood No No, I, 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 mean, I never thought of leaving the world of cinema ever yeah. I just thought of अगर ये नहीं, नहीं तो फिर मैं मैक्स टू मैक्स मे बी मैं मैं, मैं, मैं टी में आ जाता या तो फिर मैं आई वुड डू सम विलन रोल इन द साउथ या तो फिर मैं यू चला जाता पर कुछ एक्टिंग इंडस्ट्री का भी नहीं छोड़ता मैं आई थिंक वो मेरे रग रग में बस चुका है yeah. और मैं मैं और कोई चीज़ जानता भी नहीं हूँ कर करना तो फिर आई थिंक दिस वुड बी द बेस्ट बेट और और एक बार आपने वो आठ आठ साल नौ साल आपने क्रॉस कर लिए ना तो ऐसा लगता है कि मैं अभी मैं इतना आगे आ गया, गया हूँ हाँ. अभी मैं अभी मैं कुछ और शुरू करूंगा तो वापस उतना ही टाइम लगने वाला है यू कान हिट सक्सेस लाइक दिस मे बी यू माई आई नो बट आई नो दैट यू नो इट्स अ वेरी डिफरेंट फील्ड आई हैव टू लर्न फील्डिंग फॉर दैट फील्ड मैं सोचा तो इतना आगे आ चुका हूँ अभी इसके बाद आगे ही जाना है इसके बाद पीछे तो नहीं आ ही नहीं सकते हम लोग हंड्रेड परसेंट yeah, yeah. मैं कुछ जानता नहीं इसके अलावा um, मैं, मैं 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 ना भी थिंक इन मनी आई थिंक इन बिकॉज मनी lot लॉट स्ट्रेस हाँ तो मैं पैसों के पीछे नहीं भागता इसलिए मैंने मम्मी को बहुत पहले ही बोल दिया था न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी ज्वाइन करने से पहले ही mm -hmm. कि मैं ना मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ जो मैं अपने मैं अपने आप पर मेहनत करूँ mm -hmm. क्योंकि नो मैटर द फाइनेंशियल क्राइसिस नो मैटर एनी थिंग आपके अंदर के जो हुनर हैं टैलेंट्स हैं स्किल्स हैं जो आपने yeah. इतना वक्त स्पेंड uh, किया है वो सब अक्वायर करने में वो आपसे कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं छुड़ा सकता mm -hmm. वो आपके पास True. अंदर हमेशा रहेगा तो दैट इज द फील्ड ऑफ क्रिएटिविटी एंड एंड आर्ट्स, दैट्स 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 व्हाई आई आई थिंक व्हाट व्हाट ट्रू, वर्किंग संजय सो इज़ दैट वन बेस्ट The kind of institute, institution that he is. He doesn't leave anything on chance. Mm -hmm. He has a vision and he never goes for chalta. Ha, mm -hmm. ye frame chalta, ne, nee, ne, ne. Ye frame nikal. <laughs> ye he, asa he frame, mujhe Yeah. chahi. Taptak shoot ni yoga. tak unko jo milegani. Right? So, of course, he's got the. Benefit of being the greatest director of India, and he's made himself yeah. that. Uh, that's why he gets the liberty of doing anything that he feels is right, which is the best thing to do. Yeah. Um, so uh, yeah, we're working with him, the best part was that you constantly keep learning. And if I have to really pick on the 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 worst part is difficult part, I would say. Oh, the difficult part. Yeah, I guess the difficult part of working with Mr. Bansali sir would. Uh, i mean, he's such a perfectionism, perfectionist himself yeah. that you also, as an actor and all of us as actors uh, and technicians, want to put our best foot forward. Yeah. so i guess that is the, uh, what, do you, what do you say? difficulty, what do you say? Difficult the, diff part. the diffi difficult part was that yeah. you have to try and match up to him. Yeah. it's impossible. nobody can match up to mr. Bansali. Yeah. so i feel the most difficult part was trying to match step you know, because mm -hmm. he breathes cinema. Yeah. his oxygen is cinema so for us newbies <laughs> butchilug right we are just trying striving to become 10% of what he thinks we can become yeah that's all also tajdar is a character you know where an actor has a lot to do with it and uh, you had so many amazing scenes where we can say wow and the last scene literally brought tears so how emotionally taxing was it for you I mean most of the series I was mostly in love, you know so i've and, and that is the most and the easiest way to get connected to somebody the love story yeah um, so for me the um I got digressed what was the question again yeah the uh, last scene which brought you. what stories. emotional what emotion what emotionally yeah. taxing was it um yeah. so no scenes are emotionally taxing I think that maybe one maybe two scenes so the first one was. ईद पे जब हम लोग मिलते हैं जब मनीषा मैम आती हैं mm -hmm. तो उस वक्त पे आई आई इन वन शॉट ऐसे ही मतलब मैंने किया था एक शॉट पे एक लाइन पे uh -huh. यहाँ से आंसू गिरा एक ओके देन सर लाइक इट देन सर इट इन एवरी शॉट अगेन एक्सट्रीम क्लोजअ सो टू ट्राई एंड बैलेंस आउट दी इमोशंस and yes okay fine sometimes initially i could do it by myself yeah but iqbal Abka would dry up then you take the help of let's say glycerine or something like that yeah. but then again to balance that out at the right time you know to be able to drop it at the right time from one eye that is like a different art only by itself so i believe that that was emotionally taxing because you don't want to disappoint him yeah. you want to give him what he wants and unfortunately you're the one who gave that to him initially but now you have to give it to him again and again so that was quite that was i think that was quite emotionally taxing and the most ट लास्ट सीन उसमें हमने छह सात घंटे हमने शूट किए थे अगेन 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 लॉर्ड ऑफ हेड वाश एंड में वो खून जो है मैंने पी भी लिया था बोला <laughs> तो उसकी वजह से मेरे पेट में ना ऑटोमेटिकली उल्टियाँ आ रही थी जब तक वो मुझे उल्टा ना लटकाए <laughs> जब उल्टा लटकाते हैं तो फिर डायरेक्टली आपके नोज के अंदर चला जाता है yeah. तो फिर यहाँ से बाहर आता है <laughs> बहुत ही गंदा

I'll tell you one thing which actually touched my heart. Um, there was this one woman in um, uh, from UK, hmm. and uh, she was very kind because she messaged and she said that. Saal se matlab, she's a single mother, and uh, nobody wants to marry her. Yeah. Right? She falls in love and everything, but as soon as it gets serious, they want to back out. Yeah. And uh, because she's a single mother, they don't want to marry her. Right? So then she's like, but आई लॉस्ट रिशी से आई लॉस्ट ऑल फेथ इन लव पर जब मैंने आपको देखा जब आपकी सीरीज मैंने आपको देखा तब मुझे प्यार में वापस मतलब मैं विश्वास करने लगी कि एक दिन एक बंदा आएगा एंड ही विल टेक मी अवे बट वो कहीं यू के कहीं मतलब कहाँ पर बैठी है मुझे पता भी नहीं है पर कैसे आपका शो आपका कैरेक्टर एक दिल को छू जाता है यू नो दैट इज डेफिनेटली वन दिस इज देयर बाकी देयर देर लॉट ऑफ पीपल हु हु नो डोंट नो मी बट दे हैव फॉलोड माय हसल एंड दे से दैट दैट यू यू नो आर वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग पीपल वी हैव एवर सीन यू नो एंड इज रियली ऑनेस्टली सेइंग दैट यस आई डिड स्ट्रगल यस आई डिड डू दिस यस मैंने जुगाड़ किए हैं And they're like, we're so happy to know yeah. that you did this and you are accepting it and not saying kyaa mil gaya and being chill yeah. about it. You know? So I, I'm, I'm so glad that people are seeing the real side of me. Yeah. And uh, the third compliment, of course, the, for me, the best compliment in the world is when people are making you know, uh, edits of me and SRK sir. Yeah. You know? And trust me, you have no idea, I am a disciple okay, to SRK sir i mean like you know, i imagine him i can only imagine him like this and i see him only up and for me to even be a small comparison Toenail comparison ho jayne, to the wohi and edits making them, making them, that you remind us of him you remind us of his vibe your romance your eyes mm -hmm. you know your your, your voice um, so you know and, and i think that's the best compliment because he's first of all yeah. my idol second of all Acting mm. ke waring baat right? Not about my looks. Yeah. They're saying that your acting, acting is so good. You know, that's what I want. That's what I want. That's what I. You, you love my acting, that I can bring tears to you, I can make you laugh, I can make you cry, you can connect to me. Yeah. That's all. So let's manifest your work with Shah Rukh Khan. Yes, yes, yes. 100%. 100% <laughs> manifest the was Okay, lastly, uh, you also have been to Khan's Film Festival. Yes. How was it? One unforgettable moment. टू मनी अनफॉर्गेटेबल मैं आपको दो तीन बता देता हूँ सबसे पहले तो आई वेंट देर टू लॉन्च माई फिल्म पारो एंड पारो गॉट लॉन्च इवन द यू एन यूनाज देर एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट ऑनर टू लॉन्च योर पोस्टर इन फ्रंट ऑफ ऑल दिस पीपल एंड उनको भी उन्होंने ट्रेलर दिखाया था बट वैन यू आर इन कैंस एंड यू मीट सच इन क्रेडिबल पीपल नॉट ओनली इन द इंडिया फोर बिलियन बट ऑल्सोन यू गो टू डिट स्टॉल इतना बड़ा है मतलब mm -hmm. mm -hmm. आप अकेले आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे yeah. कोई कोई चांस ही नहीं हर दिन एटलीस्ट यू टेन थाउजेंड पीपल आर कमिंग इन एवरी डे राइट सो इट्स इम्पॉसिबल टू काइंड ऑफ ट्राई एंड मीट एवरीबाडी यू डोंट नीड टू मीट एवरीबी बट एटलीस्ट यू आर ट्राइंग राइट सो आई थिंक देन एंड ऑफकोर्स पारो द फिल्म दर आई रिलीज आई मीन द थिंग इज बेस्ड ऑन अ सोशल सब्जेक्ट इट्स बेस्ड ऑन ब्राइड स्लेवरी एंड अभी भी होता है मेवाद में

उनके uh, बच्चों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी um, है वो भी नहीं देते हो सो शी इज़ कम्प्लीटली जस्ट अ बैड 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 फेज यू नो फॉर अ वूमेन टू बी इन आई मीन लाइक दैट टू मी यू वी आर ऑल्सो लकी हम लोग यहाँ पे yeah. आराम से इजमेन से बैठे हैं कोई बात नहीं बट वहाँ पे वो लोग कैसे हैं सो आई होप दैट दिस सक्सेस सक्सेसरा मंडी इज ब्रॉट टू मी आई कैन शेयर विद दिस पीपल And can hopefully bring them support yeah. that they might themselves not be able to bring. True. Great. So it was fun chatting with you. Thank and you. Uh, thank you so much. Bal bal shukriya. Thank you for having me. Thank you to our viewers. Stay tuned to Bollywood Life